पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यहां भी पूर्ण है, वहां भी पूर्ण है, और जब पूर्ण से कुछ निकलता है वो भी पूर्ण है, और जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। परफेक्शन, ऐसा शब्द हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, मुझे परफेक्ट बनना है, इम्परफेक्ट नहीं रहना है। तो अगर उस परम शक्ति की बात की जाए, अगर कुछ परफेक्ट है, अगर कुछ पूर्ण है, तो वो परम शक्ति है, जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं, जिसको हम ब्रह्म कह सकते हैं, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं। और क्योंकि वो आत्मा हर चीज में एक न्यूक्लियस की तरह रहती है, तो उससे बनी हुई हर चीज भी पूर्ण ही है। उससे बना हुआ हर व्यक्ति, उससे बना हुआ हर प्रकार का जीवन, उससे बनी हुई हर प्रकार की परिस्थिति और कुछ नहीं, पूर्ण है। पर ऐसा क्यों होता है कि धरती पर आए, अपना जीवन जीने लगे, फिर जीवन की परिस्थितियों में हमें अपूर्णता दिखती है, हमें लगता है ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, या मेरे माता पिता को मुझे ज़्यादा प्यार करना चाहिए था, मेरा भाई एकदम से क्यों छोड़ के चला गया, मुझे उस पर गुस्सा है, ये अकाल मृत्यु क्यों हुई है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमारे भीतर उठने लगते हैं, और ये प्रश्न क्या इशारा करते हैं कि जो हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अब जब गलत हुआ तो फिर उठती हैं बहुत सारे हमारे भीतर विकल्प, काश मैं ये कर देता, काश मैं वहां होता, और इस जाल में जब हम अटकते जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो जिस दिशा में जानी चाहिए वहां ना जाकर दूसरी तरफ, जहां हम ड्रेन करते हैं अपनी ऊर्जा को। तो वास्तव में अपूर्णता हमें भौतिक स्तर पर दिख सकती है, पर एक असली स्तर पर, जिसे हम कहें जो रियल स्वरूप है, सत्य के स्तर पर, अपूर्णता भी पूर्णता का स्वरूप है, क्योंकि पूर्णता के बिना अपूर्णता है ही नहीं। हम अपने जीवन की जो कथा है जीने से पहले, जैसे एक फिल्म बनती है, उस फिल्म के बनने के लिए सबसे पहले कहानी लिखी जाती है, ठीक उसी तरह आप अपने जीवन की कहानी भी लिखते हैं, रचते हैं। और किस प्रकार से रचते हैं, अपने पिछले जन्म को ध्यान में रखते हुए। जैसे आपने पिछले जन्म में, आपने अगर राजा बनकर पैदा हुए और आपको मृत्यु के अंत के समय में लगा हो कि आपने जो किया राजा बनकर वो अच्छा नहीं किया, तो क्या होगा, अब अगले जन्म में उस चीज़ को और बेहतर करने के लिए आप अपनी शुरुआत करेंगे नई कहानी की, वो थीम बन जाएगा आपके नए जीवन का। अब उस जीवन को जीने के लिए आप सोचेंगे कि किस परिस्थिति में मुझे पैदा होना चाहिए, किस जगह पर मुझे पैदा होना चाहिए, किस माता पिता के पास मुझे आना चाहिए, कैसी स्थितियां अपने जीवन में चुननी चाहिए, ताकि जो मैं बेहतर बनना चाहूं तो कैसे बनूं। जैसे किसी जन्म में आपकी मृत्यु हुई इम्पेशंस के कारण,
कि आपके अंदर आवेश में आकर आपने बहुत कुछ खराब किया। तो जब आप अपने शरीर को छोड़ते हैं, क्योंकि अहम का शरीर छूट गया है, अब क्या होगा? जो वास्तविक स्वरूप है उसका जो दर्शन है अपने आप होगा। याद आएगा कि मुझे क्या करना था और क्या कर दिया। अब फिर क्या होगा? इम्पेशेंस थी, मुझे अब पेशेंस लानी है अपने भीतर। अपने आप को पेशेंस से, धैर्य से चलते हुए, खुद पर धैर्य, अपने रिश्तों में धैर्य और अपने जीवन के प्रति भी धैर्य। तो इस प्रकार की पटकथा, इस प्रकार का जो आप कहानी है, आप अपने लिए लिखना शुरू करेंगे, बुनना शुरू करेंगे। खूब समय लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है कि यहाँ आए फटाफट कहानी बन जाए और आकर उसे जीने लग जाए। जब भी आप तैयार हो, आप अपनी पटकथा को लिखकर उससे आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या होगा? जब कहानी लिख दी, अब कहानी लिखने के बाद आप उसका एक तरह से अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की रजामंदी हाँ या ना लेना है। ये अप्रूवल है आपके उच्चतम स्वरूप का, कि जिसके साथ आप कुछ डिस्कस कर पाए, जो आपको अपने बारे में ही, आपके खुद के बारे में ही कुछ ना कुछ जानकारी दे पाए, क्योंकि वो आपका उच्चतम स्वरूप है। उसे आपके जीवन को एक ऊपर के व्यू से देखना आता है। तो क्या होगा? वो आपके जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये स्वरूप कोई और नहीं, आपका खुद का ही शुद्ध स्वरूप है। तो उस स्वरूप से जब आप जानकारी लेते हैं, तो हम अपने जो जीवन की जो कहानी है उसको समीक्षा के स्तर पर देखकर फिर बहुत सुंदर तरीके से और अच्छे से पिरो पाते हैं। अब जब कहानी बन गई, फिर क्या होगा? सबसे मुख्य काम, जिसके अंदर आप जोड़ेंगे किरदार। कौन बनेगा माँ, कौन बनेगा पिता, कौन बनेगा भाई बहन? तो कैसे चुने जाते हैं आपके परिवार के सदस्य? कैसे चुनते हैं वो लोग जिनका आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से योगदान है, भले ही अच्छा हो, भले ही भौतिक स्तर पर वो ना अच्छा हो, किसी भी प्रकार का? तो कैसे चुनते हैं ये लोग? तो दोस्तों, जैसे धरती पर हमारा एक परिवार है, माता हैं, पिता हैं और बहुत सारे लोग, रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, वैसे ही आत्मीय स्तर पर हमारा एक परिवार होता है, जिसे हम सोल ट्राइब कह सकते हैं, सोल ग्रुप्स कह सकते हैं, सोल फैमिलीज कह सकते हैं। अब जब आपने अपने जीवन की कथा लिख ली और आपने सोचा कि इस जीवन में मुझे पेशेंस का जो लेसन है उसको अच्छे तरह से साधना है, अब आप अपने ग्रुप में उस चीज़ को बांटते हैं कि हाँ, मुझे ये लेसन सीखना है, तो क्या कोई मेरी सहायता करेगा ऐसा पिता बनकर, जो मुझे बार बार अपने पथ से दूर करेगा, जो बार बार मुझ पर गुस्सा करेगा? क्योंकि अगर मुझ पर गुस्सा होगा तो बचपन से ही मैं अपना धैर्य खोने लगूंगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को चुनेंगे। कोई मुझे ऐसा शिक्षक मिलेगा जो मुझे भटके हुए को एक सही राह दिखाएगा, ध्यान का मार्ग दिखाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो बस में मिलेगा और मुझे किताब देगा। तो इस प्रकार के सब ताने बाने में हम किरदारों को अपने भीतर, अपनी कथा के अंदर चुनने लगते हैं, और किरदार भी देखते हैं कि उनका भी कैसे फायदा किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि दो व्यक्तियों के बीच में, जो दो आत्माओं के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि तुम इस जीवन में जब नीचे आओगे तो मेरी कैसे सहायता करोगे और मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूंगा, भले ही वो अच्छी तरह से सहायता, जो अच्छे स्वरूप में सहायता की हो, या किसी को दबाकर, दुख देकर, पीड़ा देकर सहायता की गई हो। तो इस प्रकार से हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो आत्माओं के साथ जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आती हैं, जैसे माता हो गए, पिता हो गए, भाई बहन,
रिश्तेदार, बॉस और फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ते हैं। तो कैसे कैसे लोग हम अपने पटकथा में चुनते हैं, अपनी लाइफ स्क्रिप्ट में चुनते हैं? 7 तरह के लोग जो आज मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इन 7 तरह के लोगों के आप परिचय को जानेंगे, मुझे लगता है कि आप अपने दिमाग को दौड़ा पाएंगे और देख पाएंगे कि आपके जीवन का कौन सा व्यक्ति किस स्तर के अंदर, किस रूप के अंदर कहीं ना कहीं स्थित हो रहा है। तो सबसे पहला जो किरदार है, जिसको हम कहते हैं विदान्य, विदान्य शब्द बना है विद्या से, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके अंदर विद्या को जगाए, वो है विदान्य। अब ये विद्या मैथ्स इंग्लिश वाली विद्या नहीं, जो आपको हिम्मत दे अपनी आत्मा के द्वार पर खटखटाने की। तो जब हम ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में चुनते हैं तो क्या होगा, हम पथ से भ्रमित होते हुए भी पथ पर खुद ब खुद आने लगेंगे। हर एक आत्मा अपने जीवन में कम से कम एक विदान्य को चुनती है कि जिससे मार्गदर्शन ले पाए, जिसके कहे पर चल पाए, जिससे कुछ सीख पाए, आत्मा के बारे में सीख पाए। उसका क्या करते हैं सीखकर, उस पर अच्छी तरह से शोधन करते हैं, चिंतन करते हैं, या उसको वहीं छोड़कर उसको आगे बढ़ जाते हैं, वो हम पर निर्धारित है। क्योंकि जीवन की पटकथा चाहे ही हमने निर्धारित कर ली है, पर उस पटकथा से हम कहाँ पहुँचेंगे वो निर्धारित नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी जो लाइफ स्क्रिप्ट है वो प्री डेस्टिन्ड है, पर प्री प्लान्ड नहीं है। कि आप अपनी डेस्टिनी बना लेते हैं कि हाँ मेरा एक्सीडेंट होगा और उस एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट जाएगी। अब उस टांग को टूटने पर मैं कैसे, किस परिस्थिति में उसको देखता हूँ, वो मेरी प्लानिंग है। और वो पहले प्लान नहीं हुई, वो उस क्षण में प्लान हो रही है। अब मैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं हाय मेरी फूटी किस्मत कर रहा हूँ, या कह रहा हूँ कि हाँ सृष्टि ने मुझे समय दिया है बिस्तर पर बैठने का, मैं क्यों ना इसे अच्छे तरह से इस्तेमाल करूँ, आध्यात्मिक किताबें पढ़ूँ, ध्यान करूँ, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करूं, कुछ ऐसा करूं जिसके अंदर से मेरी क्रिएटिव एनर्जी जो है उसका अच्छे से रूपांतरण हो पाए। दूसरी प्रकार के जो लोग हमारे होते हैं उनको हम कहते हैं माया पाशम, माया का पाश रखने वाले, ऐसे लोग जो हमें पथ से भ्रमित करेंगे, जो हमें सत्य के बिल्कुल विपरीत बताएंगे। वो कहेंगे तुम अपूर्ण हो, आपकी निंदा करेंगे, आपके बारे में गलत शब्द बोलेंगे, आपको पीड़ा देंगे। तो यह लोग क्या करते हैं, ये ज्यादातर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके साथ पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत तीव्र पेन देने वाले होते हैं। तो आप भी निगाह दौड़ाकर अपने जीवन में देखिए कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ आपका 36 का आंकड़ा है, और बहुत तीव्र वाला आंकड़ा है कि जिसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते, या जिसको बर्दाश्त करना आपकी हिम्मत में नहीं है। और माया पाशम ज़्यादातर क्या होते हैं, ये लोग हमारे ज़्यादा करीबी होते हैं कि हमारे परिवार में जन्म लेंगे, जैसे शायद माता, शायद पिता, या भाई बहन, आपकी सास ससुर, आपके हस्बैंड, ये रिलेशनशिप्स जो पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं हमारे साथ चलकर यहाँ पर आते हैं। और ये क्या सिखाना चाहते हैं कि हम अपनी पावर में आए। अब पावर का मतलब ये नहीं है कि उनको दबाना शुरू कर दें, रियल पावर का मतलब है विनम्रता। एक सबसे पावरफुल डाली जिस पर खूब सारे फल लगे होंगे वो सबसे ज़्यादा झुकी होगी। तो असली जो शक्ति है वो आपको विनम्रता लाती है, और यही ये रिश्ते आपको सिखाना चाहते हैं। ये रिश्ते धरती पर आपको आपके दुश्मन लग सकते हैं, पर वास्तविकता में ये आपके सबसे गहरे मित्र हैं। क्योंकि
आत्मा के स्तर पर इन्होंने आपके लिए एक टफ लेसन चुना, अपने आप को भी एक टफ रोल में ढाला, ताकि आप अपना जो कार्य करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उसको आप बेहतर रूप से कर पाए। अब तीसरा जिसे हम कहते हैं नैनी। नैनी शब्द नयन, जैसे नयन एक दिशा में देखते हैं, मैं इधर देखूं तो इधर देखेंगे, मैं इधर देखूं तो इधर देखेंगे, मैं सामने देखूं तो सामने देखेंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई मित्र, बंधु, सखा, जो जिसके पास आपकी जो जीवन का जो दृष्टिकोण है वो उनके साथ मैच करता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके आंचल में बैठकर आप सब भूल जाएं, आप ट्रांसपेरेंट रह पाएं, आपको कोई भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो व्यक्ति आपको नॉन जजमेंटली पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आकर क्या करते हैं, जब आप थक हार कर कहीं टूट जाते हैं तो ये नैनी आकर आपको सांत्वना दे पाते हैं, आपको कंपैशनेटली देख पाते हैं, आपको कंपैशन का प्रतिबिंब दिखाते हैं जो आपके भीतर ही है। चौथा जिसे हम कहते हैं जीवामृतम। जीव और अमृत का जो संधि है, तो ऐसा कोई व्यक्ति आप अपने जीवन में डालते हैं जो आपको कुछ ऐसा चखा जाए जिससे आपके जीवन की दिशा बदल जाए। कोई व्यक्ति जिसको आप बस में मिले और उसने कुछ आपको ऐसा बताया जिससे आपके जीवन की दिशा बदल गई। आप बस में जा रहे थे और किसी ने आपको तनाव में देखकर ध्यान सिखाया, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने को दी, कुछ सहानुभूति का मार्ग दिखाया, और ऐसा मार्ग दिखाने पर आपके जीवन की दिशा बदल गई। आप जो थे उसके बाद अब आप वो नहीं रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको हम कहते हैं जीवामृतम, क्योंकि वो जीवन का एक अमृत, ऐसा अद्भुत अमृत जो आपने पहले नहीं पिया था वो आपको चखा गए, और उसके बाद हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में लेकर जा रहे हैं। पांचवा जिसको हम कहते हैं भूमिवर्णी। भूमिवर्णी जिनका जो रंग है भूमि के समान है। अब रंग ये चेहरे के रंग की नहीं, जिनका अस्तित्व में आपको वो भूमि पर लाना पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपको धरती पर ग्राउंड करते हैं। कभी कभी होता है ना, जब हमें सफलता मिलती है हम उड़ने लगते हैं। ध्यान में भी ऐसा बहुत बार यात्रा में देखा जाता है, हमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं, हम उनके साथ जुड़कर हवा में उड़ने लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ मुझे आत्मबोध हो गया। पर एकदम से आपकी पत्नी आएंगी और आपको कहेंगी धरती पर आ जाओ। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं एक बेटर वर्जन बनने के लिए, अपना एक इम्प्रोवाइज्ड स्वरूप बनने के लिए। फिर आते हैं हमारे श्यामवर्णी। श्यामवर्णी यानी कि जिनका जो आचरण है वो श्याम है, हमारी छाया के समान है, शैडो। ये लोग हमें वो स्वरूप दिखाते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसको हम डिसोन करते हैं। जैसे मेरे को अगर पसंद नहीं है वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं या कोई एडिक्शन में ग्रसित हैं, क्योंकि मेरे बचपन की ऐसी कोई हिस्ट्री रही जिसके अंदर मेरा ये बिलीफ बन गया कि ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, धूर्त होते हैं, कपटी होते हैं। तो जब मेरी ये एक धारणा बन गई तो क्या होगा, सृष्टि वो लोगों को बार बार मेरे सामने लाएगी तब तक जब तक मैं उनको भी पूर्णता के भाव में ना देखूं, तब तक जब तक मैं उनके ऊपर से भी इस जजमेंट को हटा ना दूं और उनको पूरा एक परम स्वरूप में देखूं कि जहां से मैं आया हूं, जहां से कोई और आया है, वहीं से ये भी आए हैं। तो ये हैं श्यामवर्णी लोग। इसके बाद है हमारा सातवां स्वरूप जिसे हम कहते हैं सूर्यवर्णी। ऐसे लोग जो सूर्य के समान है, जिनको देखकर, जैसे सूर्य को देखकर हमें जीवन की दिशा मिलती है, हम उसकी तरफ देखते हैं और उनको नमन करते हैं, सूरज उजाला करता है। ऐसे लोग
जो आपको अपने उजाले से प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जिनको देखकर आपको लगे कि हाँ मैं भी अपनी आत्मा की खुशबू को जगा सकता हूं। तो इस प्रकार के सात लोग हम अपने जीवन की जो पटकथा है उनको आमंत्रित करते हैं। पहला वेदान्य, जो है एक विद्या देने की शक्ति जिसके पास है, आत्मज्ञान देने की। दूसरा माया पाशम, जो माया के पाश में हमें बांध देते हैं। तीसरा नैनी, जो हमारी तरह से सोचते हैं, हमें अपने आंचल में बिठाकर कहीं ना कहीं कंपैशन डाल सकते हैं हमारे भीतर। चौथा जीवामृतम, जो हमें जीवन का कुछ ऐसा अमृत दे जाए जिससे हमारे जीवन की दिशा बदल जाए। पांचवा, जिसे हम कहते हैं भूमिवर्णी, जो हमें ग्राउंड करते हैं जीवन की हर परिस्थिति में, हमें ग्राउंडिंग ज़रूरी है तो वो ग्राउंडिंग का काम करते हैं। फिर छठा श्यामवर्णी, जो हमारी शैडो सेल्स हमारे सामने लाते हैं, जो चीज़ हम अपने अंदर स्वीकार नहीं करते, जिस चीज़ को हम बार बार जज करते हैं, वो आपके सामने लाएंगे। सातवां, जिसे हम कहते हैं सूर्यवर्णी, कि जिनकी रोशनी को देखकर हम भी इंस्पायर होते हैं अपने जीवन में बेहतर बनने के लिए। तो परिस्थितियां जैसे निर्धारित करी वैसे वैसे आती जाएंगी, मृत्यु भी निर्धारित करी वैसे ही मृत्यु को चुनेंगे, फिर चाहे वो एक्सीडेंट से हो, फिर चाहे वो एक वृद्धावस्था में हो, बीमारी से हो, जिसको काल मृत्यु कहें, अकाल मृत्यु कहें, केवल सुसाइड को छोड़कर। क्योंकि सुसाइड क्या है, जैसे आप अपनी चलती हुई बिजली की तार को खुद ब खुद कट कर दें, अब आप कट करेंगे करंट तो आएगा, इधर उधर फैलेगा। तो सुसाइड को छोड़कर हर डेथ जो होती है, हर मृत्यु जो होती है, वो कहीं ना कहीं हम निर्धारित कर कर आते हैं। और हमें अपने प्रियजनों की मृत्यु से सीखना है, क्योंकि ये हमारा और उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं ऐसे जाऊंगा, मैं इस परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। हो सकता है कि तुम अपने भीतर गुस्सा जगाओ, तुम्हें अच्छा ना लगे, तुम सब कुछ छोड़ दो, एक ये विकल्प है। दूसरा विकल्प है, आप अपने गुस्से को एक सही दिशा में लगाओ, आप अपने आप को जानने का प्रयास करो, और उस गुस्से को आपने अब आत्मज्ञान की ऊर्जा में कहीं ना कहीं परिवर्तित कर लिया है। फिर ही जो हमारे प्रियजनों का हमारे जीवन में आकर इस किरदार को निभाना जो हुआ, उसमें सफलता होगी। फिर ही जो लाइफ स्क्रिप्ट हमने लिखी, जो लाइफ रिव्यू हमने पिछले जन्मों का किया, और बहुत सारे लोगों को, अपने सोल फैमिली के लोगों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं डाला, इस सब चीज़ों से फिर हम न्याय कर पाएंगे। तो दोस्तों, आना जाना लगा रहेगा धरती पर जो आता नहीं, जो जाता नहीं, वो हम हैं। जो सदा के लिए है, जो अप्रभावित है किसी भी वृद्धावस्था से, किसी भी मृत्यु से, किसी भी प्रकार के परिस्थिति से, वो हम हैं। जो सबकी जड़ है, जिससे सब कुछ निकला है, और अंत में सब उसके ही मुख में चला जाएगा, वो हम हैं। तो दोस्तों, जीवन की हर परिस्थिति में